अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं ज़मीर महमूद और आज एक और नए वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप घर में फ्री बैठे हैं और आपको थोड़ा बहुत काम आता है, किस चीज़ का काम? कंप्यूटर का काम आता है, कंप्यूटर आप सीख लीजिए। क्यों डरते हैं यार, बहुत आसान है कंप्यूटर। यकीन जानिए, एक तो आप 10 दिन लगाएं टाइपिंग सीख लें, एक आप जो है 1 मिनट में 20 से 30 वर्ड टाइप करना सीख लें, बस आपको कंप्यूटर का आधा काम आ गया। बाकी आप जो है मुझ पर छोड़ दीजिए, आपको काम बहुत मिल जाएगा। ठीक है, आपने करना क्या है कि आपने एक तो टाइपिंग सीख लेनी है। टाइपिंग सीखने के बाद आपने क्या करना है, सिर्फ आपने एमएस ऑफिस का जो है वर्ड, एमएस वर्ड सीख लेना है, एक्सेल सीख लेना है और आपने सीख लेना है इन पेज, 3 सॉफ्टवेयर, बस 3 सॉफ्टवेयर। और थोड़ा बहुत ज़रूरत पड़े तो कोरल ड्रा सीख लें, बस सीख लें, थोड़ी बहुत टूल टूलिंग करना सीख लें, थोड़ा बहुत आपका काम चल जाएगा, थोड़ा बहुत चुना तो बनना चला ही जाता है। ठीक है, और फोटोशॉप में आपने सिर्फ किसी भी जो है बैकग्राउंड चेंज करना मुझे सीख लें, थोड़ा सा पहला टूल इसी काम के आता है कि आप मैजिक टूल जिसे कहते हैं, बैकग्राउंड उड़ाया और दूसरा लगा, बस। ठीक है, ये आप काम सीख लें और इसके बाद आपने करना क्या है, आप अपनी CV बनाएं। CV बनाकर आपने चला जाना है किसी भी इंस्टीट्यूट के बाद जहाँ पर कंप्यूटर का काम होता है, वहाँ पर जाकर कहना है कि मैं कंप्यूटर जानता हूँ, मुझे कंप्यूटर आता है, मैं बहुत सारा काम करता हूँ, मुझे आता भी है। कॉन्फिडेंस के साथ कॉन्फिडेंस दिखाना है कि मुझे काम आता है। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेकर आता भी हो, ऐसा नहीं हो कि आता ही ना हो। ठीक है, थोड़ा बहुत तो आता हो, यानी कि 35% तो आता हो, इससे आपका काम चल जाएगा। आपने क्या करना है, जब आप CV बनाकर चले जाएंगे उससे कहेंगे कि मुझे काम आता है, आगे वाली स्टोरी जो मैं आपको बताने वाला हूँ होना क्या है, आप चले गए, आपकी सिलेक्शन हो गई, अल्लाह करे आपकी सिलेक्शन हो जाए। आपकी सिलेक्शन हो जाएगी तो सिलेक्शन होने के बाद, जी प्राइवेट इंस्टीट्यूट की बात कर, हम गवर्नमेंट में तो अप्लाई करना पड़ता है, टेस्ट देना पड़ता है, फिर होता है ना। आपकी सिलेक्शन हो गई, आपने सिलेक्शन करने के बाद क्या करना है कि सिलेक्शन होने के बाद आपको चेयर मिल गई जहाँ पर आपके बैठ के काम करना है, आपको काम किस कैटेगरी का आएगा यही मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि मैंने काम किया है इसलिए मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, वो आएगा आपके पास खासतौर पे स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटियों में क्या काम आएगा, स्कूल में काम आएगा कि जी ये पेपर है इसे कंपोज कर दें। ठीक है, पेपर आपके सामने होगा उसको आपने कंपोज कर देना है। कंपोज क्या करेंगे, फर्ज कर लेंगे आपके पास इंग्लिश का पेपर है तो आपने इंग्लिश का पेपर वहाँ पर स्कूल का नाम लिखना है, एड्रेस लिखना है, वहाँ पर क्लास, रोल नंबर, सेशन, ये चीज़ों को स्पेस देकर एक मार्जिन सा बना कर, खूबसूरत का बना कर क्वेश्चन नंबर लिखें 3, उसके जूज ए, जूज बी, जूज सी, जूज डी, क्वेश्चन नंबर 2 लिख लें, जूज ए, जूज बी, जूज डी, इस तरह इसके जो हैं स्कूल में कॉलेजेस में ये चीज़ें आती हैं, जब कोई एप्लीकेशन आपको साफ टाइप करवा लेगा, ये छोटी छोटी एप्लीकेशन, या फिर ये कि एक्सेल में काम होगा, एक्सेल में काम किस तरह का होगा, फीस आ गई जी, फीस को इंटर कर दें, वो आपको पहले बता देंगे, जितनी भी हैं जब भी कुछ जॉब छोड़कर जाते हैं तो वो पीछे वाले को गाइड जरूर करते हैं, आपको इतना गाइड कर देंगे कि आप 35 या 30% से लेकर 50 तक पहुंच जाएंगे गाइड होने के बाद। जब आपके पास थोड़ा सा भोजन लड़ाएंगे तो आप 70% पर पहुंच जाएंगे आसानी के साथ, तो माह, डेढ़ माह, 2 माह के बाद 100%। ठीक है, पेपर कंपोज करने होते हैं, आसान काम होता है यार, 1-2 माह आप तजर्बा करें, कॉन्फिडेंस के साथ जाएं और यहाँ पर आप इस्तेमाल कीजिए इन अपने कॉन्फिडेंस को। ठीक है, पेपर कंपोज करने होते हैं, एप्लीकेशन कंपोज, लेटर कंपोज या स्टोरी कंपोज, इस तरह की चीज़ें कंपोज करके उनको देनी है, चाहे वो उर्दू में हो चाहे वो इंग्लिश में हो, आपने कंपोज करके देनी है। कुछ कैटेगरी उर्दू और इंग्लिश में होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सुनिएगा ज़रूर, उर्दू और इंग्लिश, यानी कि कुछ पेपर है एक साइड पर इंग्लिश, एक साइड पर उर्दू, एक साइड पर उर्दू जाएगी, एक साइड पर इंग्लिश। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं जहाँ पर आपने पाक उर्दू इंस्टॉलर सॉफ्टवेयर है जहाँ पर उर्दू बआसानी किसी भी सॉफ्टवेयर में लिख सकते हैं, पाक उर्दू इंस्टॉलर। ठीक है, आप मेरी वेबसाइट नीचे दी गई howtoearnclub.com में नीचे दी गई वेबसाइट पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आप मिल जाएंगे, वहाँ पर आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं और आप इसे यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, बआसानी डायरेक्टली उस वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे, उसे इंस्टॉल करें, इंस्टॉल करना बेहद आसान है, नेक्स्ट 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 इंस्टॉल। ठीक है, इसको आपने एम्बेड कर लेना है ऑफिस में, वहां पर आप ऑफिस में भी उर्दू आसानी के साथ लिख सकते हैं। ये डेटा एंट्री ऑपरेटर की जो जॉब्स होती हैं मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने हिचकिचाहट को दूर करके
इंटर हो जाना है और बाकी अल्लाह पर छोड़ देना है कि या अल्लाह बस मैं इंटर हो गया हूँ, बाकी मेरी मदद आपने कर लेनी। और उम्मीद है आप वीडियो को ख़त्म करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी वीडियो के नीचे रेड बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करें, साथ बेल आइकॉन शो होता है उस पर क्लिक करके मेरे चैनल और उससे नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। इससे यह होगा कि मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट आपको वक्त पर मिलती रहेगी। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, इसमें कौन कौन सी कमियाँ हैं, मैं उसको ज़रूर दूर भी करूँगा। और कोई किसी किस्म का सवाल हो कमेंट्स बॉक्स में बताकर आप मुझे सवाल ज़रूर कीजिएगा, इससे मेरे इल्म में इजाफा होता है, मैं आपको शेयर करके बता देता हूँ कि बेसिक फंडा क्या है। तो दुआ, मैं आपके लिए दुआ करूँगा, आप मेरे लिए दुआ गवाह होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।